हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों का जो 4 नवंबर को आप लोगों का जो ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं सेट नंबर 1 में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह से मैं आप लोगों को 3 सेट प्रोवाइड करूंगा। प्रॉमिस करता हूं इन तीनों सेट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगी। एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं वो ब्लूप्रिंट के एग्जाम में लड़ता है या नहीं, यानी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं बताता हूं आप लोगों को वो आपके एग्जाम में यानी ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट को एग्जाम में हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। तो मेरे प्यारे, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो ना वो 100% आप लोग का याद रखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। किसके रिगार्डिंग? तो बोलेंगे सर ब्लूप्रिंट के रिगार्डिंग सेट नंबर 1 में। तो सेट नंबर 1 में आपको सारा का सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सेट नंबर 2 में बताऊंगा मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेट नंबर जो 2 होगी उसमें बताऊंगा मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आप लोगों को जो सेट नंबर 3 होगी उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों का क्या, तो बोलेंगे सर वो होगी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप लोग टारगेट बनाइए कि हम लोगों को एक भी क्वेश्चन जैसे हमारे ब्लूप्रिंट के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक भी क्वेश्चन जैसे हमारे पेपर में ना छूटे हमसे। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, 8 घंटा सोना होगा, 8 घंटा वर्क करना होगा और 8 घंटे आपको जबरदस्त पढ़ाई करना होगा। हम आशा कर रहे हो कि तोनी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई आ तोनी के मम्मी पापा का नाम तोनी चाहो कि हम रोशन करबो। तो तोनी ध्यान से सुनिए हमारे बातवा कि तोनी दिन रात अभी पढ़ी क्योंकि तोनी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीना बाचो लो। अगर तोनी समय टका अगर खेलने कूदने नाचने गाने में अगर गुजारते भी फिर तोनी की समय टा ना फिर वापस लौट करना ही। तू तोनी चाहो ही ना कि हम अच्छा से रिजल्ट करबो तो लग जाए पढ़ाई में, ठीक हो। चलिए पहला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं, लेस देन गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और साथ ही साथ आप लोग बताएं मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं, या कैसा फील होता है, या किस लाइन पे आप लोगों को पढ़ना, जो पढ़ाने की स्टाइल है मेरे प्यारे वो मुझे तो लगता है बेटर है, लेकिन आप लोगों को लगता है या नहीं ये भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें मेरे प्यारे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो बोलेंगे सर प्रकीर्णन प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। सर कौन से प्रकार की? सर प्रकीर्णन प्रक्रिया की प्रक्रिया पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई क्लास 9 और क्लास 10, ध्यान से सुनिए, क्लास 9 या क्लास 10 में, तो उन लोगों को इन्वाइट करें मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कहाँ पे? मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। उन लोगों को जल्दी से इन्वाइट करें और यहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10 का आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, यानी यहाँ पे वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में छपेगा। अगर आपके छोटे भाई बहन रिलेशनशिप में कोई भी हो उनको जरूर इन्फॉर्म कर दे, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है। देखिए मेरे प्यारे, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भी होना चाहिए, राजधानी भी होना चाहिए, नगर भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर, देखिए आपका बताएंगे सर क्या हो गया, पटना। पटना ही एक ऐसा प्राचीन राजधानी नगर है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सेट 2 देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं दूसरा दिन आप लोगों को जस्ट सेट 1 के बाद सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। किस पर्वत पर ऊँटी बहुत सारे ऐसा आप लोगों के घर के आसपास होगा जो ऊँटी काम करने के लिए जाते हैं, ऊँटी कहाँ है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऊँटी यानी किस राज्य में ऊँटी पर्यटक के अवस्थित है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ऊँटी है ना, ऊँटी एक घूमने फिरने का बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे प्रतिदिन लोग आते हैं वहाँ के पर्यटक करने यानी पर्यटन करते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं, यानी इतना खूबसूरत जगह है। वो आपको बताना है वो कहाँ अवस्थित है। बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी के पर्वत में। कहाँ पे? नीलगिरी के पर्वत में, यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? आप यहां से पूछे गए राजधानी नगर भी होना चाहिए। देखिए राजधानी भी होना चाहिए और नगर भी होना चाहिए, तो दुर्ग तो होगा नहीं, बोधगया तो होगा नहीं, कानपुर भी तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। बताएंगे सर चंडीगढ़ कौन है? तो बोलेंगे सर पंजाब, 5 का चाब, पंजाब, 5 पंजाब, यानी बोल सकते सर 5 पंजाब मतलब पंजाब। और उसके बाद पंजाब के बाद आ गया हरियाणा, याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा मेरे प्यारे। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, फाइनल में भी इसी तरह से आपके पेपर में
क्वेश्चन छपेगी, बस टेंशन नहीं लेना है, बिंदास से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यानी कौन सा नगर है इनमें से जो नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ये आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में बता रहा हूं, ये चारों क्वेश्चन को आपको याद रखिएगा, रट्टा लगा लेना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, बोलेंगे सर गंगा जल, कहां पे गंगा नदी के किनारे है स्थित कौन, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा पटना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सर थोड़ा सा मैं बता दीजिए कि जो हम लोगों का आगरा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, बोलेंगे सर यमुना, यमुना नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा सर कोलकाता, तो बोलेंगे सर हुबली, याद रखिएगा हुबली नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोगों को पता चल गया होगा कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और कोलकाता हुबली नदी के किनारे स्थित है। लेकिन आपसे तो पूछा गया कि कौन से ऐसा नगर है जो नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो बोलेंगे सर क्या, वो हो जाएगी हमारा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुका है मेरे प्यारे, बेहतरीन तरीके से क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर हम आर्ट्स में 80-90% के बीच में हम लोग मार्क्स लाना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेहनत करना होगा। अभी आप लोगों के पास मान के चले मेरे प्यारे 3 मंथ आपके हैंड में है, आपके हाथ में इतना ताकत अभी है कि आप अपने रिजल्ट को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, है ना। मेहनत करने में आप लोग कमी ना करें, जीवन में यह समय फिर कभी भी आपके पास लौट कर नहीं आने वाला है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। कहाँ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, कहाँ है लखनऊ, लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाएगा लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, बोलेंगे सर गोमती नदी किनारे। जो जो बोल रहे हैं ना इस सबको हल्के में मत लेना बाबू, ये जितना चीज बता रहे हैं ना सब पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे, इसलिए आप लोग जो चीज आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है आप लोगों को नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7। अगर आप लोग आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के, आपको सर्च करके अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है और इस कोर्स को ना आप लोग जरूर बाय करें। यहाँ पे आप लोगों को याद रखिएगा चैप्टर बाय चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, विदाउट आपको आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल में, यानी पिछले 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन जैकबोर्ड के माध्यम से पूछे गए, सारा का सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं सर कैसे क्लासेस होती है इसको, मैं आप लोग कंटेंट में क्लिक करेंगे तो आपको डेमो दिखने को स्टार्ट हो जाएगी, पहला चैप्टर का कोई भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर आपको डेमो मिल जाएगा, वहाँ पे इजीली से देख सकते हैं। आप सोचते होंगे सर अभी जो पढ़ाई हो चुका है वो हम कैसे देखेंगे, देखिए मेरे प्यारे जब आप एडमिशन करवाएंगे इसमें, जब इस कोर्स को परचेस करेंगे तो जो पढ़ाई हो चुका है वो भी आपको मिलेगी, जो पढ़ाई नहीं हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो पढ़ाई नहीं हुआ है वो भी आपको सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ, नोट्स, थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी भी समय है, इस कोर्स को बाय करें और बेहतरीन तरीके से आर्ट्स का तैयारी करें, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप लोगों को 5 सेट करवाया जाएगा, याद रखिएगा 5 सेट, उसमें आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा और प्रोमिस करते हैं ये जो मैं 40 क्वेश्चन में बताऊंगा ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे 37+ क्वेश्चन इसी में से आएगा, हाँ इसलिए इतना मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा हिस्ट्री में तो मैं बोल सकता हूँ मेरे प्यारे कि 40 में से 40 आपके पेपर में यहीं से पूछा जाएगा, जो मैं 5 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप इजीली से यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास 5 सेट है, देखिए ये सब आप लोगों के आ चुका है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आंसर की अभी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट ना हो जाए, क्योंकि देखिए ना कभी पढ़ाते पढ़ाते कभी गलती हो ही जाता है, इंसान है गलती हो जाता है, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये जो आप लोगों का है ये उन्हीं को मिल सकता है, ये उन्हीं को मिल सकता है जो इस कोर्स को बाय किया है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये जो आप लोगों को बताया जाएगा कब, तो बोलेंगे सर ये बताया जाएगा जब सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आप लोगों को यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये सब कुछ आंसर विद आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव का भी आंसर होगा और सब्जेक्टिव का भी आप लोगों का आंसर यहाँ पे प्रोवाइड ऑलरेडी किए जाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग तैयारी करें और ये समय फिर लौट कर नहीं आने वाला है, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि बीते हुए समय को फिर वापस नहीं ला सकते हैं, बाद में पछताने से बेहतर है कि दिन खोल कर मेहनत करें अभी। क्वेश्चन नंबर 7,
कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? बोले कोयंबटूर। क्या हो जाएगा सर? कोयंबटूर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 98 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? बहुत इंपॉर्टेंट, जेरूसलम। क्या जगह? जेरूसलम। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो बोलेंगे सर असम। याद रखिएगा भारत के मैप इस तरह से है, तो आपसे पूछा गया क्या उत्तर और पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी भारत का याद रखिएगा कौन होगी? तमिलनाडु तो नीचे है, त्रिपुरा भी हो सकता है लेकिन त्रिपुरा यहाँ पे है, ठीक है, और मणिपुर भी हो सकता है लेकिन मणिपुर यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछा गया असम, तो बोलेंगे सर इधर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे सर 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? भारत में राज्यों की संख्या कितना है? तो 28। ये भी आपको एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, चाहे पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो या हिस्ट्री में, भारत में कितना राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। पिकिर पहाड़ी अवस्थित है, जो पिकिर पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पे है सर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है? कहाँ पे बोल रहा है सागर तट पर अवस्थित है? तो बोलेंगे सर मुंबई। मुंबई जो है ना सर वो एक सागरी तट पर अवस्थित है, यानी सागर का मतलब हम बोल सकते हैं समुद्र किनारे मुंबई अवस्थित है। आप में से कोई ऐसा है जो मुंबई किए होंगे, है ना? नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, जाना जरूरी है, एक बार जाए सर एग्जाम के बाद घूमे फिरे, है ना। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया है ना, नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, चार में से तीन है एक नहीं है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक अखंड में संलग्न होना, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिपित ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो बोलेंगे सर गंगा का जलोढ़ मैदान। क्या हो जाएगी? गंगा का जलोढ़ मैदान, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार दिल से बताएं जो मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताता हूं, याद रखिएगा बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, सच बताएं एग्जाम में कितना परसेंट लड़ सकता है, यानी कितना लड़ जाता है ना, जैसे मैं तो बताऊंगा पूरा 100% लड़ जाता होगा। आप लोग बताएं कि जो मैं ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताता हूँ वो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड होता है, यानी एक बार जरूर बताएं, है ना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले कि जब हम इतना रात को मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी तो हमें मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ मैं स्टूडेंट को बता रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन पर स्टूडेंट को ले जा रहा हूँ, मेरे बड़े भाई है, मेरे बड़े बहन है, उन लोग मैं सही डायरेक्शन पर तो ले जा रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा पता होना चाहिए। ये पता तभी हो सकता है जब आप लोग दबा करके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेंगे, सर आप जो बताते हैं वो नहीं पूछे जाते, आप जो बताते हैं वही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पद आकार, देखिए ये जो व्यवस्थीकरण है ना मेरे प्यारे, याद रखिएगा व्यवस्थीकरण आपसे पूछे जाएंगे, बोलेंगे बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि कॉपी पेस्ट है, यानी जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन हूबहू ऐसा ही रहता है, बस क्वेश्चन को डाल देता है ऐसा ही। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहा जाता है? पास पास बने, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ मेरा घर है, यह आपका घर है, यह राम का, श्याम का, कृष्णा का, सीता का, ये क्या है? गुच्छे थे, एक जगह क्या हो रहा है? गुच्छा बन गया, यानी हम बोल सकते हैं अंगूर का जो गुच्छा है गुच्छित वर्ग, तो बोलेंगे सर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 17, 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बोलेंगे सर 16.8, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? माउंट आबू पर्यटन नगर, देखिए माउंट आबू जो है ना एक घूमने फिरने का जगह है, आप भी लेकर जाएं जब आपका शादी हो जाएगा, है ना, आप लोग जब शादी हो जाए एक बार, देखिए अकेले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, किसी को लेकर जाएं तो फिर बड़ी मजा आएगा, ठीक है। सामान्य आकार, आकार किसी को मतलब अपना होने वाला, चाहे आप लड़का हो तो लड़की और लड़की हो तो लड़का, समझ में आ गया ना, ऐसा नहीं कि किसी को उठा के ले जाएंगे तो फिर चप्पल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे सर बस्ती कहा जाता है। सामान्य आकार के घरों के समूह को बस्ती कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बस्ती। चलिए अगला प्रश्न पे पूछा जाएगा, दूर दूर तक बिखरे हुए कुछ घरों के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्वा। क्या कहा जाता है सर? पूर्वा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 21, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं, क्या कहते हैं? जुड़वा राजधानी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। और मुझे पूरा याद है ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे और ये अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि आपका जब एग्जाम होगी
2220 याद रखिएगा, तब वहां पे आपसे पूछे जाएंगे क्या। तो बोलेंगे सर भारत में कौन सा दो शहर है जो जुड़वा राजधानी है, तो बताएंगे सर एक हैदराबाद एक सिकंदराबाद, याद रखिएगा जुड़वा राजधानी के अंतर्गत जाना जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पिलानी नगर का संबंध है, तो बोलेंगे सर शैक्षणिक नगर एडुकेशन याद रखिएगा वैली है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वे स्थान जहां नगर पालिका या नगर निगम था कैंटोनमेंट बोर्ड या नेटिफाइड टाउन एरिया कमेटी क्या कहलाता था, तो बोलेंगे सर संवैधानिक नगर, क्या हो जाएगी संवैधानिक नगर ऑप्शन नंबर। देखिए मेरे प्यारे ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आप लोग, तो मेरा मुझे लग रहा है ना कि 90% ऐसे स्टूडेंट जो रट्टा लगा रहे हैं, सच में मुझे लग जहाँ तक लग रहा है, लेकिन देखिए रट्टा लगाएंगे भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन को ना चुटकी में हल कर सकते हैं, चुटकी में। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे मैं तुम बोलता हूँ ना कि फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए ना इसी तरह से आप लोग का जो आर्ट्स स्टूडी है, जो आर्ट्स स्टूडेंट है आप लोग, तो आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और चैप्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब तो थ्योरी लेक्चर, इन्हें आपको पूरा बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये चैप्टर कहा गया है। जब आप चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ना उसके बाद जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल खोल कर आप उत्तर बताएंगे ये हम पढ़े थे, लेशन इतना था, इस तरह से प्रश्नावली इतना था, यहाँ पे ये बताएंगे और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इजिली से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आप लोग इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, अगर आप आर्ट्स में समझना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। इसको आपको कहाँ पर मिलेगा, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है, याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस, क्या सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और सर्च करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना, व्हाट्सएप पे नहीं मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कर लेना है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्स आएगी, लेकिन आपको यही कोर्स को बाय करना है। इसमें क्या है, इस कोर्स का नाम है क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच, यानी इसमें जीरो लेवल से एकदम बेसिक से उठाकर एकदम टॉप लेवल तक पहुँचा जाता है, ठीक है, बॉटम से एकदम टॉप लेवल तक पहुँचा जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जाता है। अगर डेमो देखना चाहते हैं कंटेंट में क्लिक करेंगे आपको डेमो मिल जाएगा, वहाँ पर क्लास को खरीदने से पहले एक बार देखिए वहाँ पर कैसे क्लासेस होती जाए। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, तो बोलेंगे सर पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 सेट टू के लिए आप लोग जल्दी दबा करके जल्दी से कमेंट करें जहां पे मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा। भारत में सर्वाधिक गाँव किस जनसंख्या वर्ग में आते हैं, तो बोलेंगे सर 1000 से कम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीन नगरी बस्ती है, तो बोलेंगे सर मेसोपोटामिया, क्या था मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं 28 भिलाई किस वर्ग का नगर है, भिलाई जो है याद रखिएगा औद्योगिक नगर है। भिलाई मैंने आपको बताया था ना भारत में चार बड़े बड़े स्टील प्लांट है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट बताए थे ना, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट बताए थे ना जी, नहीं बताए थे, बताए थे, इन चारों प्लांट को ना आप लोगों को याद कर लेना है किस देश के सहयोग से बना है किस राज्य में अवस्थित है। ये दोनों चारों क्वेश्चन में से हर साल, सच कह रहा हूँ हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है किस राज्य में है आपसे पूछा जाएगा, कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है किस देश के सहयोग से बना है, और बोकारो स्टील प्लांट किस देश में है किस देश के सहयोग से बना है किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन पूछेगा। मैं जो पूछ बोल रहा हूँ ना नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है, हल्के में ले नहीं जाए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 29 उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है, बोलेंगे सर राजस्थान में, याद रखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर, याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी कहाँ है जयपुर। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा छुटा हुआ है, मजा आ जाएगा, ये डिजाइन है, ऐसा मत सोचिए कि पार लिखा हुआ पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए, आप लोग वेट कर रहे होंगे है ना, उसके लिए आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें सर हम लोगों को सेट टू प्रोवाइड करें। मिलते हैं नए वीडियो में, हंसी खुशी के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे पढ़ाई।